घराट, पहाड़ों की लाइफलाइन कहे जाने वाले घराट आज किस हालात में है ये सभी जानते हैं, लेकिन घराटों को इन दिनों मानो संजीवनी मिलने लगी है। कोरोना काल में बेरोजगार हुए प्रवासी अब वापस लौटे हैं और यही घराट उनकी आजीविका का नया साधन बनने लगे हैं। कोविड से हुए लॉकडाउन में प्रदेश से घर आए प्रवासी घराटों को पुनर्जीवित कर उन्हें रोजगार का जरिया बना रहे हैं। रुद्रप्रयाग जनपद के जखोली विकासखंड के सिरसोलिया गांव के 11वीं में पढ़ने वाले अमित भट्ट ने भी अपने प्रवासी चाचा शिवशंकर भट्ट के साथ मिलकर 25 सालों से बंद पड़े घराट को नए स्वरूप में विकसित किया है और अब उसी से अपना स्वरोजगार कर रहे हैं। हमारे जो ये गांव है बहुत ही मतलब कि नीचे है और यहाँ पे हमें गेहूँ पिसाने के लिए सीधा सिसौ यानी कि 2 किलोमीटर कंधे में थैले को ले जाना पड़ता था और यहाँ के जो हमारे बुजुर्ग हैं वो ले जा नहीं पाते थे, तो काफ़ी 25 साल से हमारा ये घराट बंद रहा। तो मैंने अपने चाचा जी की सहायता से और जो ये हमारे गांव के बुजुर्ग लोग हैं उनकी सहायता से इसको फिर से चालू करने की कोशिश की और हमने इसे चालू किया जी। ये कोरोना काल में यानी कि लॉकडाउन था पूरा, यहाँ सब कुछ चीज़ थी नहीं, तो हमने सोचा इस पर काम किया जाए और ये रोजगार के मामले में भी बहुत अच्छा साबित हुआ हमारे। घराट के खुलने की खबर जैसे ही इस पूरे गांव में पहुंची, पूरा गांव आज इसी घराट में पहुंचता है और यहीं अपने अनाज की पिसवाई कराता है। आधुनिकता के दौर में पहाड़ के घराट विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुके हैं। दूर क्षेत्रों में कहीं इक्का दुक्का घराटे अब नजर आते हैं, लेकिन सिरसोलिया गांव में की गई इस पहल से न केवल पहाड़ के इन घराटों का अस्तित्व पुनर्जीवित हो रहा है बल्कि रोजगार का एक बेहतर जरिया भी बन रहा है। ये आवश्यकता इसलिए पड़ी हमें, अचानक लॉकडाउन पड़ा, लॉकडाउन के कारण हमने सोचा कि अब चक्की चुकी इधर तो है नहीं, तो हमने सोचा कि अब मैं आप ये यहाँ पे अपना पुराना जो परंपरा है उसको उजागर करें और उजागर करके हमारे जो पूरे गांव का गांव वाले आते हैं यहाँ पे इसको आटा पीसने के लिए गेहूँ लेके आते हैं और गेहूँ शाम को अपने ले जाते हैं और उसके लिए। हाँ, आर्थिक स्थिति हमें सुधरी है, पर दिन कम से कम 70-80 किलो पर डे का इसका रनिंग है। जय भारत टीवी के लिए रुद्रप्रयाग से कुलदीप राणा की रिपोर्ट।